Aleluya, Romín 9, 9 días. और जो हमने पिछली बार वचन एक से तीन तक हमने ध्यान दिया उस पर, आज हम आगे जाएंगे वचन चार से पांच, लेकिन हम शुरुआत से पढ़ेंगे वचन चैप्टर नाइन वर्सेस वन टू फाइव। मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरे विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है आप ही मसीह से शापित हो जाता। मैं इज़राइली, ये वे इज़राइली है और परमेश्वर का हक और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है, पुरखों भी उन्हीं की है, और मसीह भी शरीर के भाव में उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, आमीन। पिछली बार हमने इस चीज पर ध्यान दिया कि पॉल को बहुत दुख है अपने भाइयों के लिए जो शरीर से हैं, हिज ब्रदर्स अकॉर्डिंग टू द फ्लेश। ये दुख बहुत ज्यादा है, इतना कि पॉल यहां तक कहता है कि अगर ये हो सकता था तो वो परमेश्वर से पूरी तरह से अलग हो जाता था अगर उसके भाइयों को तारण मिले। इफ इट वॉज पॉसिबल ही सेज आई कुड विश आई वॉज सेपरेटेड आउट फ्रॉम क्राइस्ट फॉर माई ब्रदरन। और अब उस चीज को एक स्टेप आगे ले जाता है और कहता है वो ब्रदरन कौन है, एंड स्पीक्स अबाउट हु आर इज़राइलाइट्स, जो इज़राइली हैं। एंड हम इस चीज पे लास्ट टाइम थोड़ा ध्यान दिया था, हम इसमें वापस कुछ समय बिताएंगे। पॉल उन्हें तीन अलग अलग तरीके से बुला सकता था। वो ये बोल सकता था जो यहूदी है, जो जूज है, ये बोल सकता था जो हिब्री है, पीपल हु स्पीक हिब्रू, और यहां पे पॉल कहता है जो इज़राइली है। हमने पहले कहा वो यूज के नहीं बोलता कि जो यहूदी है, हु आर नॉट जूज, बिकॉज उन्होंने पहले ही देखा कि चैप्टर टू और चैप्टर थ्री में पॉल ऑलरेडी बोल चुका है कि सच्चा जू कौन है। सच्चा जू कौन है? जिसका खतना दिल का हुआ है, शरीर का नहीं, राइट? तो अगर वो जू अभी कहेगा कि वो ऑलरेडी हो चुका है तो यहूदी नहीं कहता। यूजली व्हेनेवर द बाइबल यूज द वर्ड जू, इट इज यूजली इन कॉन्ट्रास्ट विद द जेंटाइल। जब भी हम यहूदी के बारे में बात करते हैं हम हमेशा देशों के साथ उसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं। सेकेंडली, जब भी हम यहूदी की बात करते हैं हम क्रिश्चियन रिलीजन या ट्रू रिलीजन की बात करते हैं। पॉल यहाँ पे और थोड़ा ज्यादा बोलना चाहता है, इसके लिए वर्ड इज़राइल यूज करता है। सेकेंड, व्हाई डजंट पॉल यूज द वर्ड हिब्रू? बिकॉज हिब्रू बोलना गलत नहीं होता, क्योंकि यहूदी लोग क्या बात करते थे? हिब्रू बात करते थे। जूश लोग या इज़राइल का भाषा क्या था? हिब्री था। लेकिन अब जब पॉल ये लिख रहा है ना, चीजें थोड़ी बदल गई है, क्योंकि अब यहूदी है जो यहूदी दुनिया भर में फैल चुके हैं और उनका मुख्य लैंग्वेज अभी हिब्री नहीं रहा। इनफैक्ट वो जो बाइबल अब पढ़ते हैं वो बाइबल ज्यादा हिब्रू बाइबल के साथ वो लोग ग्रीक बाइबल भी पढ़ते हैं। जो हिब्रू बाइबल का जो ट्रांसलेशन था, जो हम लोग जिसको सेप्टुजेंट बोलते हैं, उस बाइबल को अब वो लोग यूज करते हैं। तो अभी बेसिकली इज़राइलियों का मेन लैंग्वेज हिब्रू नहीं है। अगर आपको याद होगा एक्ट चैप्टर टू, जब पेंटिकोस फेस्टिवल था, तब फीस ऑफ पेंटिकोस, तब दुनिया भर से सारे यहूदी साथ में आए थे, लेकिन सब लोग अलग अलग अपने अपने प्रांत की भाषा बोल रहे थे। तो अब वहां पे पॉल हिब्री लैंग्वेज वर्ड भी यूज करता, पॉल इज यूजिंग द वर्ड इज़राइल, और हम इस चीज पे ध्यान देंगे। और पॉल ऐसा क्यों बोलता है अब इज़राइल है और उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। इफ यू वांट टू रीड इट अगेन, वर्स 4 एंड वर्स 5, हु आर इज़राइलाइट, टू हुम पर्टेनेथ द अडॉप्शन एंड द ग्लोरी एंड द कवेनेंट एंड द गिविंग ऑफ द लॉ एंड द सर्विस ऑफ गॉड एंड द प्रोमिसेस, हुज़ आर द फादर्स एंड हुम आर कंसर्निंग द फ्लेश,
Christ came, who is over all, blessed forever. Amen. Yes. Paul is Israel ko describe kyun kar raha hai? Padhne walon ko pata hai Israel kaun hai? Why is Paul describing Israel? Wo bolte hai tum jante ho Israel kaun hai? Matter khatam. Right? But Paul describe karne ki mehnat kyun le raha hai? Ye pehle hame samajhna hai. Right? When Paul is writing all these things about Israel, to pertaineth the adoption, the glory, the covenant, the giving of the law, the service of God, the promises from who are the fathers, is it a very happy moment or a sad moment? Ek second pehle Paul kya bol raha hai? Ek varsh pehle main bahut dukhi hu. Agle chauthe varsh tak ekdam khushi mein bhi aa sakta hu. पॉल ये जो लिख रहा है ना, ये पॉल बहुत दुख में लिख रहा है और ये हमें समझना है. ही इज टॉकिंग अबाउट इज़राइल, जिसको परमेश्वर ने ये सारी चीजें दी है. गॉड इज द गॉड हु हैज गिवन ऑल दिस टू इज़राइल एंड इट्स हिस्ट्री. पॉल उनको क्यों कहता है कि तुम इज़राइल हो? क्योंकि ऐसे टाइम पे जो जिस समय में पॉल लिख रहा है, दुनिया में कोई नहीं चाहेगा अपने आप को इज़राइली बुलाने के लिए. इनफैक्ट डेविड और सोलोमन के बाद में ऐसा कोई टाइम नहीं था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि उसको वो लोग इज़राइल बुलाए, क्योंकि वो लोग थे कि दुनिया भर के लोग उनको ढूंढ ढूंढ कर मारते थे. तो अब पॉल क्यों उनको बोल रहा है कि तुम इज़राइली हो, तुम्हारा और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है? लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट द वर्ड इज़राइल. हमने सुबह जेनेसिस 32 पढ़ा, आइए वापस मुड़ते हैं. जेनेसिस 32 वर्स 28. एंड ही सेड, हमने देखा कि याकूब फाइट्स विद द एंजल ऑफ द लॉर्ड और उसके बाद परमेश्वर उसे नाम देता है. एंड ही सेड द नेम शाल बी कॉल्ड नो मोर जेकब बट इज़राइल. For as a prince has thou power with God and with men and has prevailed. अभी से तुम्हारा नाम याकूब नहीं होगा, अभी से तुम्हारा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा. और इज़राइल का मतलब ही is a prince of God. A prince of God, ये इज़राइल का मतलब है. यानी कि अब परमेश्वर कह रहा है कि तुम याकूब नहीं हो, तुम मेरे प्रिंस हो. You are a prince of God. और यहां से परमेश्वर कहता है कि तुम और तुम्हारा पूरा वंशज मेरे हैं. यू एंड ऑल योर डिसेंडेंट्स आर अ नेशन टू मी. ये वापस आप देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 35. आई रीड फॉर यू. एंड गॉड सेड अनटू हिम थाय नेम इज जेकब, द नेम शैल नॉट बी कॉल्ड एनी मोर जेकब बट इज़राइल शैल बी थाय नेम. एंड ही कॉल्ड हिज नेम इज़राइल. 35 वर्स 10. And God said unto him, the name is Jacob, the name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name, and he called his name Israel. So he's starting to show them what God has done for them, jo parmeshwar unke liye kiya hai, aur jo parmeshwar unke liye aage jaake karega. Ye wo vyakti hai jo parmeshwar ke saath lad pada, lekin ab parmeshwar unhe ek rajya banayega. Ek rajya jo parmeshwar ke rules ke hisab se चलेगा, जिसके अंदर परमेश्वर स्वयं इंटरफियर करेगा या इंटरवीन करेगा उनके डे टू डे कार्यों में. दिस इज प्रॉपरली व्हाट यू कॉल, आपने डेमोक्रेसी सुना है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अ रूल डन बाय द पीपल. इज़राइल का क्या होगा? थियोक्रेसी, गॉड डायरेक्टली रूलिंग. यहां पे परमेश्वर उन्हें बता रहा है कि इज़राइल को कौन रूल करेगा और इज़राइल के अंदर किस तरह का रूल होगा. ये बार बार हम इस चीज को देखते हैं. और सबसे पहले हम देखते हैं दैट वर्ड टू हुम परटेनेथ द अडॉप्शन, जिनको परमेश्वर ने अपना संतान या गोद लिया है. अब आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव एनी कंफ्यूजन. रोमन्स चैप्टर 8 में हम फिर से अडॉप्शन देखते हैं, याद है आपको? यू कैन रीड दैट रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15 पड़ेगा.
but you have received a spirit of adoption. This is about spiritual adoption, जो परमेश्वर ने उसके विश्वासी को उसके बच्चों को adopt किया है, अपने बच्चे बनाए उन्हें. लेकिन यहाँ पे जब हम adopt बोल रहे हैं, ये हम physical adoption एक country की बात कर रहे हैं. आपको इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि जब वापस आएंगे, when we come down to verse 8 and 9, this will be very important point. लेकिन परमेश्वर उनको बोल रहा है कि बाकी सारे देशों में से मैंने तुम लोगों को अपना देश बनकर चुना है. ये फिजिकलिटी के बारे में है, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं है. फिजिकल नेशन, फिजिकल लोगों को परमेश्वर ने चुना है. मेरे साथ बढ़िया एक्सोडस निर्गम 4 का 22, एक्सोडस 4 verse 22, where you find Israel is my firstborn. Israel is my firstborn. और हमने पहले भी firstborn का आइडिया दिया था कि सारे संतान होंगे तो उसमें सबसे पहला Israel होगा. मैं सबसे पहले Israel को सारे rules देंगे. Jeremiah 31 verse 9. आप लिख सकते हैं, I'll read that. Ephraim, which is Israel, is my firstborn. I am a father to Israel. I'm a father to Israel. So, पूरा Israel, पूरा राष्ट्र एक तरीके से परमेश्वर के बेटे थे. They were physically the sons of God. इसलिए वो घमंड था. आप समझ रहे हैं? और जब इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे ना, आप इस चीज को मत भूलिए कि पॉल ये सारी चीजें दुख में लिख रहा है. पॉल स्वयं उन चीजों पे शायद गर्व करता होगा जब ये लिख रहा है. पॉल दुख में लिख रहा है कि ये वो इज़राइल है who got adopted by God in among all the nations. सारे राष्ट्रों में इज़राइल को अडॉप्शन मिला. Now let's look at the second word. The second word is the glory, महिमा. इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, पूरे इज़राइल की हिस्ट्री में क्या हुआ? बार बार परमेश्वर ने अपना ग्लोरी दिखाया. आपको याद है कुछ सेक्शन? आपको याद है कुछ जब परमेश्वर ने अपना महिमा उनको दिखाया था? आप शुरुआत से कर सकते हैं, निर्गम में जब वो लोग रेड सी क्रॉस किया, परमेश्वर का ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ गॉड स्टूड लाइक क्लाउड बिटवीन देम, प्रोटेक्टिंग देम. इज़राइल वो देश था जिसकी हिस्ट्री में बार बार परमेश्वर रुकता था. लेट्स टर्न एक्सोडस चैप्टर 16. वर्स 10. मैं आपको मैं पढ़ता हूं. एंड इट केम टू पास एज आरन स्पेक अन टू द होल कांग्रीगेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल दैट दे लुक टुवर्ड द विल्डरनेस एंड बिहोल्ड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड इन द क्लाउड. बार बार एक से एक डेयरिंग इंसिडेंट में यू विल सी गॉड स्टैंडिंग बिटवीन इज़राइल एंड द नेशंस. तो पॉल वापस उनको याद दिला रहा है, ये वो इज़राइल है जिनको परमेश्वर ने चुना सारे राष्ट्रों में. ये वो इज़राइल है जिसको परमेश्वर ने अपना ग्लोरी दिखाया. लेट्स रीड वन मोर एक्सोडस चैप्टर 33. निर्गम वापस 33 वर्स 18 ऑनवर्ड्स. एंड गॉड्स आंसर टू हिम वाज दिस, देयर इज अ प्लेस बाय मी एंड थाउ शैल स्टैंड अपॉन अ रॉक एंड इट शैल कम टू पास एंड माय ग्लोरी पासेथ बाय दैट आई विल पुट थी इन अ क्लिफ ऑफ द रॉक. आई विल कवर थी विद माय हैंड व्हाइल आई पास बाय एंड I will not take away my hand. Thou shalt see my back pass, and my face shall not be seen. Moses saw the glory of God. बार बार पॉल उनको एक चीज बता रहा है कि इज़राइल ने परमेश्वर का ग्लोरी देखा था. Exodus 40, verse 34. Then a cloud covered the tent of congregation, and the glory of the Lord filled the temple. When Exodus 40 verse 34. फिर आपको याद हमने पढ़ा था जब मंदिर बनाया था सोलोमन ने, तब क्या हुआ? You can read that when you go home at your time.
पहला राजा 8:10-11 I'll just quickly read it for you. And it came to pass when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the Lord, so the priest could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of the Lord. पूरा इज़राइल के हिस्ट्री में वो बार बार देखते हैं परमेश्वर स्वयं अपने पूरे ग्लोरी में उनके बीच में था. That is what God did to them as a nation. कि बार बार परमेश्वर अपना ग्लोरी उनको दिखा रहा था. पॉल फिर से उनको दुख में बोल रहा है, पता तुम लोग कौन हो, तुम इज़राइली हो. कौन से इज़राइली? जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो इज़राइली जिसे परमेश्वर का महिमा देखा है. यू हैव सीन द शेकाइना ग्लोरी ऑफ गॉड. लेकिन पॉल अभी भी वहां रुकता नहीं है. पॉल गोज ऑन, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग ही सेड, टू वाज गिवन द कवनेंट्स ऑफ गॉड. परमेश्वर का कवनेंट, परमेश्वर का वाचा जो दिया. और यहां पे एक ध्यान दीजिएगा, कवनेंट्स हैज गॉट प्रोमिसेस, बराबर. लेकिन पॉल यहां पे एक और चीज यूज करता है आगे जाके, कि अगेन यूजेस प्रोमिसेस ऑल्सो. तो यूजेस कवनेंट एंड देन ही यूजेस प्रॉमिसेस, दो अलग अलग चीज. पहले हमने कवनेंट के बारे में ध्यान दिया, हम ज्यादा टाइम इस पर नहीं बिताएंगे, लेकिन वी सॉ व्हेन वी स्टडीड कवनेंट, हमने वाचाएं पढ़ी, हमने देखा कि पूरे समय में आदम के शुरुआत से लेके आखिरी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अपने आप से वाचा बांधी थी. जब आदम पाप में गिरा तो आदम के साथ परमेश्वर ने फिर से करुणा का वाचा बांधा. नोआ के साथ, इब्राहिम के साथ, मोसेस के साथ, दाविद के साथ, सारे वाचाएं परमेश्वर ने उसी वाचा का, उसी करुणा के वाचा का परमेश्वर हमेशा उस एग्रीमेंट को या उस वाचा को एक तरीके से हमेशा अपग्रेड करता गया. आखिर में फाइनल वाचा, दैट फाइनल कवनेंट ऑफ ग्रेस वाज गिवन टू अस बाय जीसस क्राइस्ट. बट पॉल इज अगेन रिमाइंडिंग देम, रिमेंबर ऑल द कवनेंट्स, पूरे वाचा याद करो जो परमेश्वर ने इसराइल को एक देश की तरह दिया था. राइट, उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, द गिविंग ऑफ द लॉ. हमने पहले भी कहा इसराइली हमेशा किस चीज पे घमंड करते थे, कि उनके पास लॉ था. लेकिन यहां पे सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रहा है, वो एक इवेंट की बात कर रहा है. इज टॉकिंग अबाउट द गिविंग ऑफ द लॉ. बोलते वो दिन याद करो, वो इंसिडेंट याद करो जब तुमको लॉ दिया गया था. कैसा टाइम था वो? एकदम खुशी खुशी मना गया, आज हमको कुछ दे रहे हैं परमेश्वर, तुम लोग सब लोग आ जाओ और आज कुछ अच्छा चीज मिलेगा. वैसा लॉ दिया था ना? कैसा लॉ दिया था? गॉड स्पोक टू देम, गॉड स्पोक टू देम, एंड इट वॉज अ स्कैरी थिंग. कितना स्कैरी चीज था, कि उन्होंने क्या कहा, हमको बात नहीं करना है, हमको बात ही नहीं करना है. काम करो, किसको भेजो? मूसा को भेजो. बोलते यू रिमेंबर कैसे तुम्हें लॉ दिया गया था? परमेश्वर पूरे देशों में, तुम एक ही देश हो जिससे परमेश्वर तुमसे बात किया. टर्न दिस ब्यूटीफुल पैसेज, Deuteronomy chapter 4:32-36. मोसेस बात कर रहा है यहां पे. मिला सबको? आई वॉन्ट एवरी वन टू गेट इट. मिला? आई रीड दैट नाउ. फॉर आस्क नाउ ऑफ द डेज दैट आर पास्ट, which were before thee, since the day that God created man upon the earth, and asked from one side of the heaven unto the other, whether there hath been such a thing as this great thing, or hath been heard like it. Did ever people hear the voice of God speaking out of the midst of fire, as thou hast heard, and live? ऐसा आज तक कोई हुआ है कि किसी ने परमेश्वर का आवाज सुना है और जीवित रहा है? बट इसराइल, तुम वो लोग हो जिसने परमेश्वर का आवाज सुना है और तुम लोग जीवित रहे. बट प्लीज रिमेंबर, पॉल इज नॉट टेकिंग प्राइड हियर. पॉल इज एक्चुअली सैड व्हेन ही सेइंग दिस थिंग्स. लेट्स गो ऑन. और गॉड, और हैज गॉड असेड टू गो एंड टेक हिम अ नेशन फ्रॉम द मिडस्ट ऑफ अनदर नेशन, बाय टेम्पटेशन, बाय साइंस एंड बाय वंडर्स एंड बाय वॉर एंड बाय माइटी हैंड एंड बाय स्ट्रेच्ड आउट आर्म एंड बाय ग्रेट टेरर्स, अकॉर्डिंग टू ऑल दैट द लॉर्ड योर गॉड डिड फॉर यू इन इजिप्ट before your eyes. What is Paul, what is Moses telling them here? कि जब परमेश्वर ने तुम्हें उसका लॉ दिया, परमेश्वर ने स्वयं तुमसे बात की. और वो बोल रहा है look at that great incident. उस great incident को देखो, उस great incident को याद करो.
इस चीजों को याद रखिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेन वी गो थ्रू दिस. सबसे पहले हमने कहा कि दे वॉज चोजन एज अ नेशन, बराबर. लेकिन आखिर में जाके पॉल कहेगा ऑल ऑफ इसराइल आर नॉट इसराइल. तो सबसे पहले आपको एक चीज याद में रखना है कि यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी कंट्री एज अ क्रिश्चियन कंट्री. कोई देश ऐसा नहीं है जो एक क्रिश्चियन देश है. इस देश के सारे लोग क्रिश्चियन है, राइट. हम लोग ये भी मानते हैं कि जब आप चर्चेस को भी देखें तो ये चीज अज्यूम मत करिए, मत कीजिएगा, बिकॉज बाइबल वेरी क्लियरली टेल्स यू देयर विल बी वीट एंड देयर विल बी टेल्स. और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि जब उन्हें चुना गया उनमें से भी लोग मरे, जो हिब्रू में बार बार कहता है. इसके लिए बार बार अपने आप को आप चेक कीजिए. तो कभी भी मत ये सोचिए कि क्योंकि वो फैमिली क्रिश्चियन था उनके बच्चे भी क्रिश्चियन होंगे, या उल्टा, सॉरी उल्टा, क्योंकि आपके पेरेंट्स क्रिश्चियन है इसके लिए मत अज्यूम कीजिए कि आप क्रिश्चियन हो. देयर इज अ कैच हियर. वी कम बैक टू दैट, वी कम बैक टू दैट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ वी फिनिश्ड कवेनेंट. नाउ इट कम्स टू द सर्विस ऑफ गॉड. द सर्विस ऑफ गॉड, द बिगेस्ट थिंग दैट द हिब्री या द जू टुक प्राइड वॉज द टेम्पल. यीशु को कब वो पत्थर मारने के लिए बैठे, जब उसने कहा इसको क्या करो, इसको डिस्ट्रॉय करो, तीन दिन में मैं बनाऊंगा. कितना टाइम लगा इसे बनाने के लिए. और ये आदमी कह रहा है कि क्योंकि दे वर द पीपल हु विल टेक एन ओथ ऑन द टेम्पल. टेम्पल इतना ज्यादा था उनके लिए. उनके लिए टेम्पल क्या था, परमेश्वर के इक्विवेलेंट. इसके लिए क्राइस्ट टेल्स डू नॉट टेक ओथ ऑन गॉड और ऑन द टेम्पल. उनको टेम्पल का ओथ इतना इंपॉर्टेंट था. यहां पे पॉल याद कर रहा है तुम लोग वो लोग हो जिसको परमेश्वर ने सर्विस करने का मौका दिया. गॉड एक्चुअली टोल्ड यू हाउ टू वर्शिप गॉड. And that's fantastic. That's really, really fantastic. God does not let you worship the way you want to. Do you know that? It was never the freedom. हम, तुम लोग worship में आओ और जो चाहे करो. जब कल देखना कि तुम worship करते हो. That was never the way. We, if at all we see something from the Old Testament, we should see worship was so scary. क्योंकि उनको बोला गया था ऐसा वर्शिप नहीं किया तो मरोगे. वर्शिप ऐसा ही करना है नहीं तो मरोगे. दिस वॉज द रीजन दे हैड रूल्स एंड द रूल्स वर इंपॉर्टेंट. टर्न विथ मी हिब्रूज चैप्टर 9. हिब्री 9 एक से चार. आई रीड. देन वेरली द फर्स्ट कवेनेंट हैड ऑल्सो ऑर्डिनेंसेस ऑफ डिवाइन सर्विस एंड अ वर्ल्डली सैंक्चुरी. For there was a tabernacle made, the first wherein was a candlestick and the table and the shewbread, which is called the sanctuary. And after the second vial or veil, the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer, the ark of the covenant, overlaid round with gold, wherein was a gold pot that had manna, Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant, and over it the cherubims of glory, shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak. Particularly, right? क्या कह रहा है वो? किसका डिसीजन था ये? परमेश्वर का. किसको दिया था? मोसेस को. लास्ट टाइम देखा. It was the pattern of thing in heaven. और मोसेस को बोला गया जैसा वो पैटर्न है वैसे तुझे यहां बनाना है. मोसेस as a leader was not the one who chose कि वो कैसे बनेगा. किसका डिजायर था टेंपल बनाने को? डेविड, राइट. डेविड ने खुद के लिए काफी अच्छा घर बनाया था. मतलब डेविड हैड वेरी साउंड आर्किटेक्चरल स्किल्स, राइट. और परमेश्वर के इंटरेस्ट में यू कैन बी श्योर कि और भी अच्छा बनाता था. बट गॉड डिड नॉट लेट कर डेविड तेरा घर मुझे बहुत पसंद आया, मेरा घर भी तू नहीं बनाना, और मैं श्योर हूं कि तू बनाएगा तो मेरे इससे तू अच्छा ही बनाएगा. नो नो. गॉड टोल्ड हिम हाउ टू बिल्ड इट एंड गॉड टुक द ग्रेटेस्ट जॉय फ्रॉम हिम. ही डिड नॉट लेट हिम बिल्ड इट. इफ यू एंड आई वर
in David's place, we would have been shocked. कि पूरा आइडिया मेरा था. Execute करने का ताकत भी मेरे पास था. The best project manager in the world. But what did you do? You're giving it to my son, useless fellow. I mean, that's how fathers think about their sons. But God did not give him that joy to do it. Why? Why? Because it was not a decision of service of David. It was God's decision. This is how you should worship me. Finish. Or Israel ko wo great thing God gave. God gave that greatness to Israel. Remember Acts chapter 17? Acts chapter 17? Sorry? Hebrews 8:5, can we read that quickly? Yeah, Hebrews 8:1-5, can we read that? I'll read that for you. Now the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a ministry of the sanctuary and of the true tabernacle with the Lord pitched and not man. For every priest is ordained to offer gifts and sacrifices, whether it's for necessity that this man should have somewhat also to offer. He's referring, of course, to the Lord. Then you come down. As Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle, for see, saith he, that thou make all things according to the pattern that showed to thee in the mount. Right? God made Moses do everything according to the pattern that God showed to Moses. Let's come back to Acts chapter 17. In all the world, people worshipped God. Brother, Acts 17, people worshipped God. But God tells them, you are worshipping God in your ignorance. Tum Parmeshwar ko worship kar rahe ho, lekin tum jante nahi hai kaise worship karna hai. You do not know how to worship God. In the whole world, if someone knew how to worship God, were the Israelites. Can you imagine how they got the law? They got the covenant. They got how to worship God. In logon ke bare mein baat kar rahe. And Paul is still having sorrow. Because at the end, you know, kya bolega? All of Israel are not Israel. You got all of this. Lekin tum mein se, aadhe log sach mein Israel nahi hai. That's what he's coming down to. Finally, we come to the promises. The promises. No, Romans chapter 9, 4. हमने पढ़ा फर्स्ट अडॉप्शन फिर ग्लोरी फिर कवनेंट देन वी सॉ सर्विस ऑफ गॉड सॉरी द गिविंग ऑफ द लॉ सर्विस ऑफ गॉड उसके बाद प्रॉमिसेस व्हाट आर द प्रॉमिसेस द प्रॉमिस ऑफ द मसाया कमिंग फॉर देम द प्रॉमिस ऑफ द मसाया कमिंग फ्रॉम देम उनका सबसे बड़ा पाखंडी फरिश्ती भी होगा ना वो एक चीज को मानता था जरूर के एक मसीहा आएगा उनको ये सारे रोमन के तकलीफों से बचाएगा और वो ऐसा होगा ना जो इतना स्ट्रांग होगा वो मरने के लिए नहीं आएगा वो हमें बचाने के लिए आएगा द प्रोमिसेस ऑफ गॉड विच अश्योर्ड टू देम के सेवियर इज गोइंग टू कम वॉज ऑलवेज देयर दैट सेवियर इज देयर सैल्वेशन जो सच्चे विश्वास करते थे जैसे सिमियोन ने उस छोटे बच्चे को देखकर भी उसको मालूम पड़ा कि ये मेरा सैल्वेशन है दिस is my salvation. My eyes have seen the salvation. Israelio ko Parmeshwar ne wo cheez diya tha. It was something that God gave them. The promises of God right from the Old Testament, right from the early chapters of Genesis is a savior will come to save them. Jin logo ko samjha, pure Israel ko ye diya tha, pure Israel ko ye pata tha. Now let's come to the last one. The fathers. Promises ho gaya and the fathers. Again and again, you'll find in every Jewish story reference to three people. Kaun Abraham, Isaac and Jacob. Why? Why? Whom did God make a covenant with first? Abraham. Lekin ab humne dekha kiske saath? थोड़ी देर पहले जेनेसिस 32 जेकब बराबर क्यों
the idea was very clear that what was started by Abraham was then gifted to Isaac, and then it was taken to Jacob. When this thing was happened, every Jew always took pride in calling ki hamare pita kaun hai, Abraham, Isaac and Jacob. Aur ye teen log with all their problems in their life were really great people jisko baar baar ye log uske paas jaate the. Un teeno logon mein jitni bhi kamiyan thi, lekin Parmeshwar ne unhe unke karya ke liye chuna tha. Right? Every time they had a fight with Jesus, what would they say? We have our fathers, Abraham. In fact, Yeshu ko kya bolta hai? Ye mat khush raho ki tumhara pita Abraham hai. Agar Parmeshwar chahe to in patthron se apne liye bacche leke aayenge. Right? But every time these people kept on talking about their father Abraham. Turn with me to John 4, verse 12. Aapko ye yaad hoga. This is a Samaritan woman. And what does she say? Verse 12. Art thou greater than our father Jacob? Right? Which gave us the well. Here, the father is not Abraham. The father is Jacob. But Christ has also encountered other guys. John 8, verse 53. Art thou greater than our father Abraham, which is dead? And the prophets are dead. Who makest thou thyself? Are you greater than Abraham? Are you greater than Jacob? Matthew 3, 9, that we read. And think not to within yourself, we have Abraham to our father, for I say that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Ek Yahudi bar bar, ek Israeli bar bar apne life mein ek hi cheez bolta tha. He has fathers in whom? Abraham, Isaac and Jacob. This is the problem. Be very careful. And I said, this is a very, very sad passage. A very sad passage. Because it shows that where you are, you are not Christian. You are not Christian. You have given the permission to law. It was such a big event. And you think, yes, I went to that church. In that church, it was a fantastic event. Many people were converted. I have seen it. Maybe that day I will be converted. It will not happen. If you are having your promises based on an event that happened in your church, you have a problem in your life. If your promise is based on that one event that happened 2000 years back, jo cruz par jo aadmi mara, us cheez ko dekhkar, us par main vishwas karta aur wo mera vishwas hai, you are a saved person. Don't say ki my parents are Christians, so I will become a Christian. The promise is ulta. For a Christian parent has been promised that your children would be holy. Ulta nahi hai. Aap samajh rahe? Do not assume the other way around. It is extremely important. A Christian parent ko promise hai. Like jaise humne Karen's of Dot mein padha. A Christian parent ko promise hai ki agar uske bacche mar jate hai jaldi, to usko ye doubt bhi nahi karna hai ki uske bacche kahan gaye. He doesn't have to go and immerse the baby in water and think that this baby will get saved because of... No. He has a promise that your child will be in heaven for a Christian parent. Lekin because my father and mother is a Christian, I should not assume that I am a Christian. It doesn't work like that. It's a promise. Agar aapko lagta hai, kyunki aap ek church mein ho, jo church bahut achha hai, is church ke rules bahut achhe hai, is church ka teaching bahut achha hai, shayad iske liye main Christian banunga. It cannot happen. It just cannot happen. Israel got the best events, the best light show. Pure andhere mein, a cloud giving them light. No one would have seen something like that. When the entire world is in darkness, God speaks only to one country. Unko wo sab cheez mila, jo dunya mein kisi ko nahi mila. Lekin unme se bahut logo ko kabhi taran mila hi nahi. People who wanted to protect the temple, jinko temple ke bare mein kisi ne kuch bol diya, to usko patthar marenge, waise log Parmeshwar ke haqdar nahi bane. Can you understand that? They were fighting for something which was physical. Jaisa pura Israel, wo physical lekar baitha tha, aur jo sachai tha, wo unse kabhi dur chala gaya. It's a very, very sad thing to talk about. Aur jab Paul ke bol raha hai na, Paul, actually, I can imagine he would be crying
मतलब वो बोलता होगा क्या इज़राइल था ये, क्या इज़राइल था, उसको ये मिला, उसको ये मिला, उसको परमेश्वर ने ये दिया, ये दिया, ये दिया। लेकिन ये सारे इज़राइलों में से सब इज़राइल नहीं है। दैट वॉज इज सैडनेस कि इतना मिलने के बाद भी इसका हालत ऐसा है। यू अंडरस्टैंड दैट? We need to understand this because when it is a shocking thing for Israel, it can be a shocking thing for us also. Israel के लिए shocking है, लेकिन हमारे लिए भी उतना ही shocking हो सकता है, क्योंकि हम कभी-कभी assume कर सकते हैं। I meet so many people when I talk to them, and they tell me कि नहीं नहीं हमारा church है ना सबसे पहला church था। मतलब जैकोबाइट चर्च ना दुनिया का सबसे पहला चर्च था, क्योंकि वो चालू किया था सेंट थॉमस ने। फिर आपको मार्थोमा को बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं मार्थोमा चर्च सबसे पहला चर्च था, क्योंकि जब मार्थोमा जैसे ही केरला में उतरा ना उसने मार्थोमा चर्च बोला। यू टॉक टू रोमन कैथलिक, यू टॉक टू एनी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड, हिज पॉइंट विल बी दिस कि मैं उस चर्च का पार्ट हूं इसलिए आई एम सेव्ड। That was the Israelite. मैं उस इज़राइल का पार्ट हूं जिसके साथ ये सारी चीजें हुई, जिसके साथ ऑल दीज फादर्स आते हैं, Abraham, Jacob, Isaac, they're all there. Similarly, that's what people say. That's not going to save you. That's not going to save us. Paul has that pain for people who are having everything that God can give and more, but they are not saved. That's not saved. I can't imagine a much more scarier situation to be in. उससे ज्यादा दुखद और क्या होगा और क्या चाहिए इसको बचाने के लिए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनको परमेश्वर का तारण मिल नहीं रहा है। एंड दैट इज वॉट पॉल इज गोइंग टू अगेन से एंड टीचर्स, इट इज नॉट द फिजिकल, इट इज नॉट द फिजिकल चिल्ड्रन, जो बाद में हम बात करेंगे जब हम आइजक और इश्माइल की बात करेंगे या जेकब और ईसाव की बात करेंगे। इट इज नॉट अबाउट द फिजिकल, इट इज अबाउट द स्पिरिचुअल। हमारे लिए ये मौका इसलिए खुला रखा है कि हैव वी रियली सीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ लेट्स गो बैक एंड लेट्स रीड चैप्टर वर्स 4 एंड सी ईच ऑफ दीज थिंग्स। डज इट मेक सेंस टू यू? एक बार इज़राइल को भूल जाइए, हम इज़राइल हैं, लेकिन एक बार उस जगह पर अपने आप को रखिए। Who is Simon? Has he been adopted? Has he seen the glory of God? Has he understood the covenants of God in terms of mercy? Is he in the service of God? What else is it? Sorry? The giving of the law. The fathers, can he really say, Abraham is my father in the faith? अगर आपको लगता है हम सिर्फ इज़राइल को देखने वाले थे, मैं चाहता हूं आप अपने आप को देखें। Are all these things true for us? Can we say, oh the wonder, परमेश्वर ने ये वचन मेरे लिए दिया है, ये सारी चीजें मेरे लिए सही है और मेरा तारण जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सच्चा इज़राइल हूं जिसको परमेश्वर रखेगा। इफ दैट इज नॉट द केस, इफ दैट इज नॉट द केस, ऑल आर बाइबल स्टडी, ऑल आर चर्च मीटिंग्स, ऑल आर इवेंट्स, ऑल द पास्ट इवेंट्स ऑफ ग्रेटनेस, ऑल द पास्ट टाइम्स दैट यू पुट योर हैंड्स अप एंड योर लेग्स अप इन इवेंट्स विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। इट विल जस्ट बी एन इवेंट, इट विल जस्ट बी अ फैंटास्टिक इवेंट जिसमें शायद किसी को तारण मिला होगा लेकिन आपको नहीं मिला होगा। इफ यू डू नॉट नो गॉड फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज पुट इनसाइड दीज वर्ड्स, लेट्स लुक टू गॉड इन प्रेयर। एंड एज वी प्रे, जब हम प्रार्थना करेंगे, हम ये पूछेंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि जो उसने इज़राइल को दिखाया है और सिखाया है, ये हमारे सीखने के लिए है। So we learn from all that that has happened. O God, our Father, we thank you, Master, for everything that you've given. For these verses, for the adoption. For us having the right to call Abraham as our father. हम उसके शारीरिक वंशज नहीं है, लेकिन फिर भी तेरे बेटे के रक्त से धुलकर
उस पर विश्वास रखकर, विश्वास के पिता अब्राहम के हम भी वंशज बने हैं। इन सब में हमारा कोई हाथ नहीं है। इन सब में अगर कोई चीज रुकता है या रुकाता है वो मैं हूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यू मेड मी अलाइव, मुझे जीवन दिया, पाप से निकाला, सच्चाई के रास्ते पर रखा ताकि मैं तेरे लिए, तेरे बेटे के लिए पवित्र बनूं। वो सारे चीजें जो इज़राइल के लिए दी गई है, वो सारे चीजें मेरे लिए है प्रभु। वो तेरे फैमिली में अडॉप्ट होना, गोद लेना, वो तेरा ग्लोरी देखना, तेरे वचन का मिलना, तेरा वाचा, तेरा प्रॉमिस, वो सारे चीजें प्रभु तूने हमें दी है, हमें सच्चा इज़राइल बनाया है, ताकि हम समझे, कि हम समझे शरीर तू देता है लेकिन शरीर से बढ़कर मेरी आत्मा को रखने वाला तू है। इस कलीसिया के लिए मांगते हैं कि हम में से हर कोई ये सारी चीजें जो चखे हैं, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड वी नो दैट द लॉर्ड इज गुड, वी ऑल्सो प्रे लॉर्ड फॉर द फिजिकल इज़राइल ऑफ टुडे। हम उस इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके अंदर से, जिसके अंदर तूने अपने बेटे को दिया, जो स्वयं परमेश्वर है। वो आज तुझ में विश्वास नहीं करते, तेरे वाचा को विश्वास नहीं करते, तेरे वचन को विश्वास नहीं करते, बल्कि जब उनके पास तेरा वाचा है, मांगते हैं प्रभु कि उनकी आंखों को तू खोलेगा और वो तेरे बेटे को देखेंगे और वो समझेंगे कि अगर अब्राहम उनका पिता है तो यीशु मसीह उनका परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह उनका परमेश्वर नहीं है तो अब्राहम कभी उनका पिता नहीं था और वो कभी मूसा पर विश्वास नहीं करते थे। वी प्रे लॉर्ड दैट यू हैव मर्सी ऑन देम एंड यू सेव योर इलेक्ट। तो अपने चुने हुए लोगों को तू बचाएगा। मांगते प्रभु की ये कलीसिया, तेरा ये वचन, जो भी यहूदी है जहां मिले, जिनसे हम बात करें, उन्हें समझाने के लिए हमें ताकत और बुद्धि दीजिएगा प्रभु। हेल्प लॉर्ड दैट वी एज अ चर्च, इफ यू एवर मीट अ ज्यूइश पर्सन, वी टेल देम व्हाट इट मींस to be a true Israelite, what it means to be a true Israelite. Thank you God for everything. In your son's name we offer this prayer. Amen.